सीधा आपको लिए चलते हैं कोलकाता, जहां अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका भारतीय जनता पार्टी की प्रेस वार्ता में स्वागत है। मैं थोड़ा शेड्यूल से देरी से आया हूं, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूं। सबसे पहले अब शायद 14 अप्रैल के पहले मिलना न हो, इसलिए सबसे पहले आप सभी को बंगाल के नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बंगाल की जनता को भी आपके माध्यम से बंगाल के नए साल की शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, तीन चरण का चुनाव हो चुका है, हम चौथे चरण में कल चुनाव में मतदाता अपना अपना वोट कास्ट करेंगे। मैंने जैसे पहले बता चुका हूं, तीनों चरण में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित समर्थन बंगाल की जनता का मिला है। हमारे एक आकलन के हिसाब से 63 से 68 सीट, 63 to 68 सीट के बीच में भारतीय जनता पार्टी इस तीन चरण के अंदर जीत रही है। मित्रों, और तृणमूल कांग्रेस का फ्रस्ट्रेशन उनके व्यवहार से, उनके भाषणों से, उनकी बातचीत से स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार की टिप्पणी ममता दीदी ने सुरक्षा बलों के लिए की है, मुझे आश्चर्य है कि सार्वजनिक जीवन में मेरा बहुत लंबा समय गया है, मैंने ऐसी टिप्पणी कभी नहीं देखी। भाषणों से, उनकी बातचीत से स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार की टिप्पणी ममता दीदी ने सुरक्षा बलों के लिए की है, मुझे आश्चर्य है कि सार्वजनिक जीवन में मेरा बहुत लंबा समय गया है, मैंने ऐसी टिप्पणी कभी नहीं देखी। कोई राज्य की मुख्यमंत्री और राजनीतिक दल की अध्यक्षा अगर ये कहती है कि CAPF का आप घिराव कर लो, उनको घेर लो, रोक लो, मैंने ऐसा दृश्य मेरे राजनीतिक जीवन में देखा है, ये क्या कहना चाहती है? लोगों को अराजकता की ओर ले जा रही है, चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त नहीं होने देना उनका उद्देश्य है, या फिर हर बार की तरह रेगिंग से चुनाव जीतने का उद्देश्य है? मैं इनकी बात को नहीं समझ सकता। और वो बार बार आरोप लगा रही है कि गृह मंत्रालय के इशारे पर CAPF चुनाव को डिस्टर्ब कर रहा है। दीदी को मैं एक कॉमन सेंस की बात बताना चाहता हूं कि CAPF जब चुनाव के काम में लगते हैं तब गृह मंत्रालय का कंट्रोल नहीं होता है, पैरामिलिट्री फोर्सेस पर कंट्रोल चुनाव आयोग का होता है। इतनी सादी सीधी बात भी अगर उनको मालूम नहीं है तो मैं मानता हूं कि उनकी बौखलाहट बहुत बड़ी हो गई। हमारे कार्यकर्ताओं पर लगातार हमला होना, हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष पर विगत 2-3 दिनों में ही हमला हुआ, कल भवानीपुर में पुलिस स्टेशन के अंदर हमारे कार्यकर्ता बैठे थे तब उन पर हमला हुआ, और इस हमले के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के एक भी नेता की खंडन की टिप्पणी नहीं है। ये लोग मुख इशारा कर रहे हैं, मौन इशारा कर रहे हैं कि आप करिए। सार्वजनिक जीवन में इतना तो एक आम बात होती है कि किसी भी हिंसा, किसी भी प्रकार की हिंसा होती है, किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं पर हिंसा होती है, सभी लोग इसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। मुझे लगता है कि इससे भी तृणमूल कांग्रेस अपना आपा खो बैठी है। जिस प्रकार से इन्होंने माइनॉरिटी वोटर्स को अपील की है कि एकजुट हो जाइए और तृणमूल कांग्रेस के लिए वोट करिए, वो बताता है शायद उनके माइनॉरिटी वोट भी अब धीरे 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 उनसे खिसक रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, और ये डर भी उनको सता रहा है। वरना इस प्रकार की अपील
किसी भी मुख्यमंत्री के मुंह से, किसी भी पार्टी के अध्यक्षा के मुंह से मैं नहीं मानता कि ये उचित है। इस प्रकार के काम करने की बजाय दीदी को चाहिए कि हार के कारणों का एनालिसिस करें, बंगाल की जनता क्यों इनके खिलाफ है उसका उनको एनालिसिस करना चाहिए। दीदी, बंगाल की जनता आपके खिलाफ है क्योंकि कानून और व्यवस्था की परिस्थिति पूर्णतया चरमरा गई है। बंगाल की जनता आपके लिए, आपके इसलिए खिलाफ है कि यहां पर घुसपैठ बेरोक टोक आपने होने दी है। अब तो कलकत्ता में बैठे हुए बंगाली बाबू को भी चिंता है कि 10 साल के बाद कलकत्ता की क्या स्थिति होगी घुसपैठ अगर इसी तरह से चलती है। बंगाल की जनता इसलिए आपके खिलाफ है, लाखों करोड़ों जो शरणार्थी आए हैं बांग्लादेश से, उनको नागरिकता देने का कानून मोदी जी लेकर आए, सीएए, अब सीएए का विरोध कर रही है, इसलिए हमारे बंगाल के मतदाता आपके खिलाफ है। तुष्टिकरण की आपकी जो राजनीति रही इसके लिए बंगाल की जनता आपके खिलाफ है। दुर्गा पूजा में मूर्ति का विसर्जन करने के लिए कोर्ट की सहायता लेनी पड़ती है, सर्कुलर होते हैं, कुछ एरिया में सरस्वती पूजा नहीं होती। किस प्रकार का शासन आपने बंगाल को दिया है इसको जरा पीछे मुड़कर देखिए।